हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रुप स्टडी प्लस। माय नेम इज आदेश। और प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th NCERT ऑफ CBSE बोर्ड। तो बच्चों, इसमें जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक और नोट्स टू नोट्स कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा दिया, तो आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू NCERT। मैं इसमें जो कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा कंसेप्ट जो रह गया होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही हम NCERT के सारे क्वेश्चंस को इन टेक्स्ट और NCERT की एक्सरसाइज वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आप लोगों को मैक्सिमम जो है ये सब कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से आपका चैप्टर जो है 6 वो प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको याद करना है और आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, बाय द वे स्टार्ट करते हैं बच्चों। बट बिफोर वी बिगिन, जो लोग चैनल पर नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कोशिश करो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि चैनल जो है वो काफी अच्छे से ग्रो करे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 6 का ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक नहीं, अब हम मेन चीजें पढ़ेंगे। मैं आपको टैली कराऊंगा क्या मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्या आपका रह गया वो कवर करेंगे, और जो मैंने नोट्स आपको कराए हैं कंप्लीट चैप्टर के वो कहाँ कहाँ से पुट अप हो रहे। ओके, तो ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। चैप्टर का नाम आप लोगों के सामने आ रहा है, लाइफ प्रोसेस। उम्मीद है आप लोगों को क्लियरली भी ये जो फॉन्ट है वो प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। तो बेटा, लाइफ प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन के अगर बारे में बात की जाए तो लाइफ प्रोसेस होती क्या है, तो उसके लिए आपकी NCERT बुक में डेफिनेशन जो मैंने वहां से पुट की थी वो यहाँ से आपकी पुट की गई थी। देखो, लिखा हुआ है द प्रोसेस। हिंदी वाले बच्चों, आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी है। जो कंसेप्ट मैं करा रहा हूँ बायलिंगुअल है, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आएगा। हालांकि क्योंकि फॉन्ट का बहुत छोटा हो जाता है फॉन्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही बोली है बुक। बाकी NCERT की अगर आपको कोई बुक डाउनलोड करनी है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा चैप्टर नंबर 6, उसमें आपको डाउनलोड आप लोगों को PDF मिल जाएगी जिससे आप इजिली पढ़ सकते हो। ओके, चलो तो डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है द प्रोसेस विच टू गैदर परफॉर्म, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में सबसे पहले डिफाइन करते हैं, वो ये मैंने डिफाइन किया था आपको। वे सारी प्रोसेसेस, वे सारे प्रक्रम जो मिलकर एक जीव के अंदर अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस विच टू गैदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो यहां से आपको लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन पता चल गई। फिर उसके बाद आप लोगों की इस पैराग्राफ में आप रीड आउट कर सकते हैं, नॉर्मल बातें कही गई है। मूव करते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन, देखो लाइव प्रोसेस के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, फिर मैं एक बार दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। लाइव प्रोसेस जो है इस चैप्टर में जो हमें पढ़नी है वो आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू माई रिसेंट वीडियोज इस तरीके से पढ़ी होगी, ठीक है। ओके, लाइव प्रोसेस में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन। ओके, और ये सारी प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रम जैव प्रक्रम आप पढ़ रहे हो, जो पहला पोषण है, ये सभी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर आपको मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, चलो तो न्यूट्रिशन के बाद आप लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन, जिसे मैंने काफी अच्छे से बताया था। रेस्पिरेशन के बाद आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप लोगों ने पढ़ा था एक्सक्रीशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। अगर हम इनके मेन और स्पेसिफिक ऑर्गन्स की बात करें, न्यूट्रिशन में आपने स्टमक का मेन रोल देखा होगा। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टमक के बाद जो फूड है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। जो फाइनल कंजम्पशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जो फूड एब्जॉर्ब किया जाता है, फाइनली जो फूड एब्जॉर्ब किया जाता है वो छोटी आंत के अंदर किया जाता है। रेस्पिरेशन का मेन ऑर्गन आपने पता होगा, आपने लंग्स के बारे में पढ़ा है, और इसमें मेन फंक्शन परफॉर्म करता है एल्वियोलाई। याद होगा आप लोगों को कोपिका के बारे में पढ़ाया था। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई और ये मेन जो फंक्शन है इनका वो है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, वो भी किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन का मेन ऑर्गन आपने पढ़ा हार्ट, ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव का हृदय, और इसको हार्ट के बारे में आप लोगों ने जो मेन था ये क्या करता है, एक पंप की तरह काम करता है।
वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेल्स और फीमेल्स में वेट जो होता है, डिफरेंस होता है हार्ट का, ये सभी चीजों को जानने के लिए आप लोगों को पुरानी वीडियोस देखनी होगी। एंड द लास्ट वन इज वी आर टॉकिंग अबाउट इज एक्सक्रीशन, जो हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन पढ़ा था वीवर डॉक। एक्सक्रीशन में आपने मेन ऑर्गन जो था बच्चों आपका किडनी के बारे में आपने पढ़ा। आपको मैंने ये भी बताया था कि फिल्ट्रेशन का वर्क स्टार्ट होता है हमारे लीवर से। लीवर हायर टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक बनाता है। पहले ही लीवर के पास जाता है अमोनिया, और अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, और फिर वो जाता है आपकी किडनीज के पास, फिर वो क्या होता है ब्लड्स में प्योरीफाई होता है और यूरिया से आपकी किडनी बना देती है यूरिन। ओके, इस तरीके से प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें याद होंगी। चलो तो फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो चीजें रह गई होंगी वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। हालांकि मैंने नोट्स में आपको मैक्सिमम चीजें कवर की हैं। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रहा हूँ वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ डिड यू नो द पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर ले तो हमारा चैप्टर कवर अप हो जाता है। तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एनसीईआरटी इंडेक्स में लिखा हुआ है व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। देखो हिंदी में अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, ये कहते हैं कि हमारे शरीर जो है, ठीक है, हम जो है हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी, डिफ्यूजन यानी कि डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, याद होगा आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। तो एक प्रोसेस है जिसमें सेल टू सेल बाहर का मटेरियल अंदर ट्रांसफर होता है। ओके, अब ये बताओ कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या ये प्रोसेस कंप्लीट काम कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक तो सबसे पहली बात मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मतलब हमारा जो शरीर है बहुकोशिकीय कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है, हम एक बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर कुछ मान लीजिए सर्फेसिस पे सेल है, चलो इन सेल ने तो ले ली ऑक्सीजन बाहर से, लेकिन जो सेल्स अंदर है, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, उनकी सेल्स है, उनको कहां से ऑक्सीजन मिलेगी? तो इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस काम नहीं करती है। इसीलिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बने होते हैं जो रेस्पिरेशन या अदर प्रोसेसेस की हेल्प से वर्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो डिफ्यूजन काम नहीं कर पाएगी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ चीजें समझाऊंगा, ये नो आप लोगों को सिर्फ समझने हैं, क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए उनके आंसर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो सेकेंड क्वेश्चन कहते हैं हमारा, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और डेड? आप मुझे बताओ आप कैसे पता करोगे कि कोई चीज या कोई वस्तु आपके सामने है वो जीवित है या निर्जीव है, लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग है? तो ये तो समझ में आ रहा होगा, टेबल चेयर दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स, हम ह्यूमन है, प्लांट्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देखो अगर प्रोसेसेस की बात करें तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारी प्रोसेसेस परफॉर्म करते नहीं करते हैं, जो आप लोगों ने अभी पढ़ी है न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस आप परफॉर्म करते हो। तो इस तरीके से आप डिफरेंस बना सकते हो, ये डिफरेंस पूछे गए, मैं एक दो पॉइंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक्टिविटी को बता सकते हैं, जो प्रोसेसेस बता सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा इसे क्लियर करके मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स, उनके भी आप पे आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लिविंग और नॉन लिविंग को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, एक तो हमने लिख लिया प्रोसेसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारी प्रोसेसेस होती हैं और नॉन लिविंग में नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है भैया प्रोसेस कर, मतलब ये फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो सिंपल सी बात है वो ग्रोथ भी हो रही होगी इसकी बॉडी में, यानी कि उसमें विकास भी होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कभी डेवलप होती है? नहीं होती है। ओके, और क्या क्या हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं, एक वर्ड मैंने लिखा लाइफ स्पैन, ओके, मतलब क्या होता है जीवन काल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, जबकि नॉन लिविंग चले तो अब चले वरना कब खत्म हो जाए, तो नॉन लिविंग में ऐसा लाइफ स्पैन हमें देखने को मिलता नहीं है। और लिविंग जो थिंग्स होती हैं, लाइक ह्यूमन है, ह्यूमन की एवरेज एज कितनी मानते हैं, 7200 मानते हैं, 7200 कोई ऑर्गेनिज्म छोटा ऑर्गेनिज्म हो गया, ओके, इस तरीके से। चलो और भी कुछ एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, लाइक वर्ड लिख लेते हैं सेल्फ रिपेयर, आप इसके भी आप पे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर ह्यूमन की बॉडी, ह्यूमन ले लो या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, उसकी बॉडी में कोई डिफेक्ट हो जाता है या फॉल्ट हो जाता है या
मान लीजिए स्किन है, स्किन पे इंजोरिटी हो गई है, चोट लग गई है, तो हम सेल्फ रिपेयर कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग्स, अगर चेयर ली हमने या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया, लाइक कुछ कोई भी ऐसा पार्ट लिया जो नॉन लिविंग है, तो वो क्या सेल्फ रिपेयर कर पाएगा? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो दे आर द बहुत सारे डिफरेंसेज, आप 3-4 लिख लोगे इनफ है। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा, वट आर आउटसाइड रॉ मेटीरियल्स यूज फॉर बाय एन ऑर्गन्स, मतलब बाहर के द्वारा किसी जीव के द्वारा कच्ची सामग्रियों का क्या उपयोग किया जाता है, वो भी कच्ची सामग्री क्या होती है जो वो बाहर से लेता है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप दो पॉइंट लिख सकते हैं इजिली। पहली बात तो प्रोसेस देखो, कच्ची आउटसाइड रॉ मेटीरियल्स यूज बाय एन ऑर्गन्स, तो सबसे पहला आउटसाइड से वो लेता है, न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसके लिए रेस्पिरेशन है, भैया खाना खाया है तो उसको डाइजेस्ट करना है, और डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो रेस्पिरेशन आप कह सकते हो या फिर लिख सकते हो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो ये दो वर्ड्स आपको मैं लिखती रहा हूँ जिसके भी आप पूरा आंसर बना सकते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस, मतलब न्यूट्रिशन कह सकते हो आप कि उसे पोषण लेना आवश्यक है। अब पोषण में वो खाना खाए कुछ भी खाए डजंट मैटर, लेकिन उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाना चाहिए। ओके, न्यूट्रिशन एक रॉ मटेरियल हो गया, दूसरा ऑक्सीजन एक रॉ मटेरियल हो गया। जैसे प्लांट्स के अंदर मैंने आप लोगों को रॉ मटेरियल्स पढ़ाए थे, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, वाटर लेते हैं, और फिर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल, और उसकी प्रेजेंट में अपना फूड बनाते हैं। सेम यहाँ पर एक ह्यूमन के लिए, ह्यूमन सपोज कर लेते हैं हम, तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम ह्यूमन को सपोज करें तो उसे न्यूट्रिशन भी चाहिए, उसे ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो बच्चे ये लाइफ प्रोसेस जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, चारों प्रोसेस एसेंशियल है मेंटेनिंग अ लाइफ। चलो ये तो हो गई, मैंने आपको पढ़ा दिया न्यूट्रिशन, फिर मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन, फिर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसपोर्टेशन, और फिर लास्ट में एक्सक्रीशन पढ़ा। ये चारों प्रोसेस तो एसेंशियल है ही, इनके बिना तो काम चल नहीं सकता। मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से लगे एक प्रोसेस और पढ़ाई थी, मतलब बताया था रिप्रोडक्शन के बारे में। हालांकि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, तो वहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये रिक्वायरमेंट एसेंशियल है, क्या न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन प्रजनन जो प्रोसेस होती है वो बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल होती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें कि या ये इसेंशियल है या नहीं है। ओके चलो, तो ये चारों क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप आंसर चारों प्रोसेस के नाम लिख सकते हैं। ये मेंटेन इसेंशियल प्रोसेस होती है जो मेंटेन करती है लाइफ को। अब डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। देखो न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। न्यूट्रिशन आप लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अगर हम प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे, एनिमल्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल किया था। न्यूट्रिशन जो हमने डिवाइड किया था प्लांट्स के भी आप पे डिवाइड किया, और दूसरा ऑर्गेनिज्म के भी आप पे डिवाइड कर लो, कोई मैटर नहीं करता है। ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में मैटर डिवाइड कर लो, तो एक हो गया यूनिसेलुलर जो मैंने आपको पढ़ाया था अमीबा के अंदर, और एक मल्टीसेलुलर जिसमें मैंने आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ाया था, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर आप अगर प्लांट्स के भी आप पे देखो तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। फिर हेटरोट्रॉपिक हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एक होता है होलोजोइक, एक होता है पैरासाइट्स, और एक होता है सैप्रोफाइट। तो आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स में कवर कराया गया है, ठीक है। तो पोषण हमारा दो भाग में विभाजित हुआ, एक पादप में एक जंतु में। पादप में हमने पढ़ा था स्वपोषी और विषमपोषी, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को भी प्रॉपर समझ में आना चाहिए। दूसरा स्वपोषी विषमपोषी जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्राणी संपोषण, फिर हमने पढ़ा था क्या होता है मृतजीवी, और एक और होता है परजीवी। हाँ जी, तो एक हो गया। और फिर हमने जब जंतु के बारे में पढ़ा था तो एक कोशिक और बहुकोशिक है, और बहुकोशिक में हमने किसके बारे में पढ़ा था, डाइजेशन पढ़ी थी मानव के बारे में। ओके, तो इसमें तो आपका यही है, आप ये भी ध्यान रखिए 3-4 घंटे तक जो फूड है वो स्टमक में रहता है। दूसरी बात, स्टमक के बाद एक छोटा सा स्पिंक्चर वर्ड है कैसा है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्पिंक्चर काफी जगह यूज होता है,
SPINCTER, ठीक है, स्पिंक्चर हिंदी में भी एक आ जाएगा। ये बेटा एक छल्ले की तरह होता है, रिंग की तरह, जैसे मैंने गले के अंदर पढ़ाया था ना एपिग्लोटिस होता है, EPIGLOTIS। एपिग्लोटिस क्या काम करता है, एपिग्लोटिस आपके खाने को वापस नहीं जाने देता माउथ में, ठीक है, जो आपने इनहेल कर लिया वो खाना वापस माउथ में ना चला जाए, नाक से ना, जो एक मैंने बताया था ना उस तरीके से, तो उसको रोकता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काफी जगह पर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे फूड को 4-5 घंटे तक होल्ड करना है स्टमक के अंदर, तो स्टमक के जस्ट एंड पर जहां वो इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होगा पार्ट, वहां पे स्पिंचर लगा होगा, जिसकी परमिशन के बिना फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में मूव नहीं करेगा। ओके, तो ये डिस्कस कर रहा है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ऑटोट्रॉपिक में हमने याद होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी, ओके, ग्लाइकोजन, तो आप इसे रीड कर सकते हैं, मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है। फिलहाल हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन जो मैंने इक्वेशन आपको बताई थी, ये बैलेंस इक्वेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, ये तो है रॉ मटेरियल्स, ये जो चीजें लिखी है दैट इज द रॉ मटेरियल ऑफ प्लांट। ओके, ये हमने पढ़ी है, रॉ मटेरियल प्लांट से बने, उसने हमें क्या बना के दिया, ग्लूकोज बना के दिया, और ग्लूकोज के साथ क्या निकल रही है, ऑक्सीजन, वो कौन निकाल रहा है, ये प्लांट के अंदर प्रोसेस हो रही है, और प्लांट के अंदर इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो ये तो था हमारा इस बारे में। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, लिखा हुआ, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही है जो मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाई थी, क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वो कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब वाटर का H2O वो किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन, और बेटा किसमें, ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है, दो प्रोसेस हो गए। तीसरी लिखी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें कन्वर्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट मतलब वसा में, ठीक है, एक तरीके से। अब देखो लिखा हुआ है, दीज स्टेप्स नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट, हाँ एक यहां से इंपॉर्टेंट है, देखो डेजर्ट प्लांट, लिखा हुआ डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको ना कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो नाइट में अब्सॉर्ब कर लेते हैं, एंड प्रिपेयर्ड एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो यानी कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल कर ली किसका, नाइट में, और उन्होंने जो जो लाइट था, लाइट यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है उसको एब्जॉर्ब किया डे में, और उसको कंबाइन करके एट द एंड वो क्या करते हैं, फूड प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर बेटा इन्होंने आप लोगों को, देखो गार्ड सेल्स मैंने आपको पढ़ाई थी, स्टमाटा के बारे में पढ़ाया था, स्टमाटा आप लोगों को इन्होंने न्यूट्रिशन के अंदर डिस्कस किया हुआ, इसकी दो फंक्शंस मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, और दूसरा जो फंक्शन था वो क्या था, ट्रांसपीरेशन, एक तो गैसों का आदान प्रदान और दूसरा वाटर का ट्रांसपीरेशन, ओके, तो इस तरीके से हमने पढ़ा था, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर ऑफ द फंक्शन इन द गार्ड सेल्स वाल्व एंड वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, द ओपन, ये मैंने आपको पढ़ाया भी ऑलरेडी, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इफ इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, देखो गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, क्लोज जो पोर होता है, स्टोमेटा पोर होता है, उसको ओपन और क्लोज करना, लेकिन ये होता कैसे, द गार्ड सेल्स स्वेल when water flow into them, जैसे उनके अंदर water flow करता है तो swell हो जाती है, causing the stomata pore, stomatal pore to open, और similarly the pore close if the guard cells shrink, अगर guard cells सिकुड़ जाती है तो pore बंद हो जाता है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में सब कुछ पूछ सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं, आगे आता है हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक में हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, ये रेस्पिरेशन में भी मैंने आपको पढ़ाया है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि तीन तरीके का होता है, होलोजोइक, फिर पढ़ा था आपने पैरासाइट, फिर पढ़ा था आपने सैप्रोफाइट, जो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से फूड को इनहेल करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, दे आर कॉल्ड या दे आर कैटेगराइज इन होलोजोइक, जिन्हें प्राणी संपोषण कहा जाता है, वो पूरी तरह से पहले भोजन को अपने मुंह में ग्रहण करते हैं, फिर उसको चबाते हैं एक तरीके से, और उसके बाद बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। दूसरा था आपने सैप्रोफाइट पढ़ा था,
और एक होता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स को हिंदी में परजीवी कहते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर सर्वाइव करते हैं, उन्हें बिना हानि पहुंचाए, जैसे हमारे शरीर में हमारे सिर में जूं होती है ना, उसी तरीके से बिना हानि पहुंचाए उन पर उनसे अपना भोजन या फिर फूड एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरा था बेटा सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स टेट्रोडिके, इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है और फंगस वगैरह इसका बेटर एग्जाम्पल होता है। ये मृतजीवी जो होते हैं ये डेड और डीके सड़े गले पदार्थों पर ज्यादा लगते हैं और उनसे अपना फूड एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये तो था। अब फिर आते हैं, देखो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड इन यूनिसेलुलर वे। तो मैंने आप लोगों को अमीबा की ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक से मैंने पढ़ाया हुआ भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सुडोपीडिया। ठीक है, फूड वैक्यूल पे ये करता है इनहेल करने के बाद मोर देन, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। देखो यहाँ से लिखा हुआ है ना, इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया। इसमें सीलिया मैंने आपको पढ़ाया था, मूवमेंट करने की यूज होता है, विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है थोड़ा सा, बट इसकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है, अमीबा की शेप फिक्स नहीं होती। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मानव में पोषण। अराउंड 8 प्रोसेस मैंने आपको 6 या 7 प्रोसेस बताई हैं। पहले फूड माउथ में होता है, माउथ के बाद उसे टीथ और टंग से रोल किया जाता है, स्टार्च से माल्टोज में बदलता है, ऑसोफेगस जहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है जिसको फूड पाइप कहा जाता है, आहार नाल के द्वारा वो गले से होता हुआ आपके स्टमक मतलब अमाशय में आता है, जहाँ पे 3 चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई थी, पेप्सिन, म्यूकस। और जिन लोगों को ये चीजें नहीं आती वो सबसे पहले उन पुरानी वीडियोज को देखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को ही पढ़ा चुका हूँ। आज तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के थ्रू क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा उसको वीडियो को देख लो, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, ये प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई गई है, एंजाइम पेप्सिन म्यूकस। देखो यहाँ से ये लिखा हुआ है, यहाँ पे पेप्सिन भी है, म्यूकस भी है, म्यूकस को हिंदी में सलेश्मा कहते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये लिखा हुआ है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। मैंने 2 फंक्शन बताए थे, एक तो ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है जो क्या कर सकता है, जिस पे पेप्सिन काम कर सकता है। ठीक है, और दूसरा किल करता है बैक्टीरियाज को जो आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डेंटल कैरीज, ये चीजें हमने नहीं पढ़ी है। देखो स्फिंक्टर ईरा, स्पिंक्चर ये रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो लिखा हुआ है द अनअब्सॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद याद होगा आप लोगों को सबसे लास्ट में फूड जो आता है वो कहाँ आता है, जो अनअब्सॉर्ब होता है, दैट इज टुवर्ड्स फॉरवर्ड टुवर्ड द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी हाथ में फॉरवर्ड कर दिया था। वेयर मोर विली, वहां पर भी क्या होते हैं, विली होते हैं। विली क्या होती है, फिंगर लेग स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको पढ़ाया था, जो क्या करता है, जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, मतलब भोजन को ग्रहण करने का एब्जॉर्ब करने का एरिया बढ़ा देता है। ओके, एरिया क्या लिखा, वेयर मोर विली, वहां पे क्या होता है, मैंने पढ़ाया था लार्ज इंटेस्टाइन में आप लोगों को वाटर एब्जॉर्ब करना होता है ज्यादा से ज्यादा, एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव। रेस्ट क्या होता है, जो मल होता है बॉडी का, ठीक है, फीसेस होता है, रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। ठीक है, उसे बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय अ एनल स्पिंक्चर, SPI, यहां से नोट कर लेना, HINCTR, स्पिंक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका स्पिंक्चर। ठीक है, स्पिंक्चर की वजह से वो रेगुलेट होता है कि ओके चलो, तो डेंटल कैरीज में क्या लिखा हुआ है इसको एक बार रीड आउट करते हैं। डेंटल कैरीज में लिखा हुआ है डेंटल कैरीज और टूथ डीके जिसे कहा जाता है, ठीक है, डेंटल कैरीज और टूथ डीके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। अब देखो इनेमल क्या होता है, इनेमल होता है P5, फॉस्फोरस की 5th स्टेट होती है। आपसे कोई पूछे आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट जो होता है वो इनेमल होता है। हमारे दांतों पर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, वो किसकी होती है, वो इनेमल की होती है। ठीक है, अब इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन सुगर प्रोड्यूस एसिड्स। अब देखो आपने कुछ खाना खाया, सुगर पार्टिकल्स आपके माउथ में अवेलेबल है ऑलरेडी, वो क्या करेगा, वो एसिड को प्रोड्यूस करेगा, दैट सॉफ्टन्स और
मिनरलाइज द इनेमल, तो क्या करेगा धीरे धीरे जो इनेमल की जो हार्डनेस है उसको क्या कर देगा, सॉफ्ट बना देगा और डी मिनरलाइज कर देगा। मैसेस ऑफ बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बैक्टीरिया सेल्स टू गैदर विद फूड, फूड के पार्टिकल्स के साथ स्टिक ऑन द टीथ, स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म अ डेंटल प्लेक। एक बात और बताता हूँ, देखो डेंटल दांत जो होते हैं ना, ठीक है, उनमें रस्ट होता है। आप लोगों ने सुना होगा दांतों के अंदर कीड़ा लग जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ पुराने लोगों की मेथ्स है कि वो कीड़ा बोलते हैं। एक तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ था चैप्टर वन में, रस्टिंग होता है। रस्टिंग का मतलब किसी भी धातु का ह्रास होना, किसी भी मेटल का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस, ठीक है, उनकी वजह से उसमें धीरे धीरे हानि आना, वो आपका रस्ट कहलाता है, ठीक है, जिसमें कोरोजन आपने पढ़ा था। तो आप ये कह सकते हैं डेंटिस्ट जो दांत होते हैं, दांत भी क्या होते हैं, उससे बने होते हैं, किससे, फॉस्फोरस और कैल्शियम से। तो ये दोनों मेटल, और मेटल क्या होती है, कोरोड होती है, कोरोड होती है मतलब उनका संचारण होता है। उसी तरीके से दांत, जैसे लोहे का रस्ट होता है, उसी तरीके से दांतों पर भी एक रस्ट बन जाता है, जंग लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लेक लिखा हुआ है। इसे हिंदी में डेंटल प्लेक को दंत प्लाक भी कहते हैं। आप इसे रीड आउट करें अपनी बुक के अंदर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैंने बायलिंगुअल पढ़ा रहा हूं मैं, तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो लिखा हुआ है सालाइवा कैन नॉट, जैसे ये जो लेयर है डेंटल प्लेक की, मान लीजिए सपोज दैट ये टीथ है आपका, ठीक है, और इस पे एक लेयर चढ़ गई डेंटल प्लेक की हमारी, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक लेयर बन गई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सालिवा कैन नॉट रीच द टूथ सर्फेस, न्यूट्रलाइज द एसिड। अब इस पे जो एसिड था ना, एंड प्लेक ने इसको कवर कर लिया, कवर करने के बाद धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पे बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और यहाँ पर हमारी जो सालाइवा है, क्योंकि सालाइवा जो है वो क्या करेगा, वो पे सिग्नेचर को तो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे धीरे धीरे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। इस डेंटल प्लेक को आप ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक, आग खाना खाने के बाद ब्रशिंग अगर यूज करोगे, ब्रश करोगे, तो ये जो डेंटल प्लेक जो आपके दांतों पर बन जाता है, इसको आप रिमूव कर सकते हो बिफोर द बैक्टीरिया, वहां पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने से। ओके, तो लिखा हुआ अदरवाइज ये क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मे इन्वेड द पल्प, जो आपके जो मसूड़े होते हैं ना उसमें एंटर कर जाएंगे और वहां पर इन्फ्लेमेशन, जलन और इन्फेक्शन एक तरीके से प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो ये था टॉपिक हमारा डेंटल कैरीज का, इसमें आप लोगों को सलाइवा का रोल बताया गया है। ओके, आप याद रखें इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पूछे, हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है ब्लड। ओके, इस तरीके से याद रखेंगे। अगर स्मॉलेस्ट बोन पूछी जाए तो होती स्टैपिस, कान की हड्डी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, एंड द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फीमर, और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की वो होती है जांघ की हड्डी, जिसे कहा जाता है फीमर। ओके, तो चलो आगे मूव करते हैं डेंटल कैरीज के बाद। अब फिर से आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, तो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक। आई होप ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, स्वपोषी और विषमपोषी में डिफरेंस मैंने अपने नोट्स में कराया हुआ है, आप वहां से कर सकते हैं। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब मैंने फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने रॉ मटेरियल्स पढ़ाए थे, वो रॉ मटेरियल्स होते क्या क्या है, कहां से ये एक्वायर किए जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, ओके, और फिर सनलाइट हो गया, ये तो मेन हो गए, प्लस में मिनरल्स भी यूज किए जाते हैं, और कहां से ये सारे आपको कराए हुए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। अभी रिसेंटली मैंने अंडरलाइन किया था एसिड का रोल जो होता है, एक तो वो पेप्सिन के वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम बनाता है ना, अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है, दूसरा आप लिख सकते हैं किल द बैक्टीरिया। What is the function of digestive enzymes? देखो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखा, What is the function of digestive enzymes? तो हमारे जो पाचन एंजाइम होते हैं उनका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले बेटा ये ध्यान रखना है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे फॉर्म ऑफ प्रोटीन होते हैं, यानी कि एंजाइम्स जो है अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये प्रोटीन कैसा होता है, बायोलॉजिकल आप इन्हें कह सकते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं बायोलॉजिकल यानी कि जैविक कैटलिस्ट भी कहलाते हैं, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। और ये क्या काम करते हैं, ये आपके जो अदर फूड मटेरियल्स होते हैं उसमें से प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करने में, इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। अगर ये एंजाइम्स नहीं निकल रहे हैं आपकी बॉडी में तो आपको इंडाइजेशन यानी कि अपच जैसी बीमारी हो सकती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड ऑफ फूड। तो बेटा इसमें आप लिख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, आपने आपको पढ़ाया गया है कि इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उंगली के आकार की संरचना को विली कहा जाता है। यही विली आपकी किडनी के अंदर भी पाया जाता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर जो डीसीटी पीसीटी मैंने आपको पढ़ाया था, पीसीटी के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं, वहां पे इनको माइक्रोविली कहा जाता है, दीर्घ सूक्ष्म दीर्घरोम। ओके, और हिंदी में क्या कहते हैं, दीर्घरोम भी कहते हैं, विली कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब। तो आप लिख सकते हैं उसकी कॉइल शेप स्ट्रक्चर होती है, जो ट्यूबुलर शेप जो स्ट्रक्चर है कॉइल में, ठीक है, वो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर कॉल्ड विली प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, विली प्रोजेक्शन। ठीक है, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन, आओ थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है देखो, एक एक्टिविटी है ये। ओके, इसमें क्या दिया गया, एयर बींग पास इन टू लाइम वाटर विद अ पिचकारी सिरिंज, एयर बींग एक्सहेल्ड इनटू लाइम वाटर। मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, जैसे ही लाइम वाटर जो होता है ना, हमारा चूने वाला जो पानी होता है लाइम वाटर, आप उसमें से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करेंगे, दैट टर्न्स टू मिल्की, वो कैसा हो जाएगा, दूध या रंग का हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी उसी के बिहाफ पे आपको कराई गई है। ओके, चलो, वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6। ये डायग्राम मैंने आपको कराया था, फिर से थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। और जब आपने रेस्पिरेशन के बारे में बात की, हमने रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। ओके, श्वसन के अंदर आप लोगों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहले तो ये बताया था सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है कोशिकीय श्वसन और वायु कोशिकीय श्वसन और श्वसन में। फिर आपने पढ़ा था एरोबिक और एनएरोबिक, वायुवीय और अवायुवीय श्वसन। ओके, तो याद होंगी वो सारी चीजें। देखो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस है तो मतलब एनएरोबिक होगा, अवायुवीय श्वसन होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है मतलब एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा होगा, यानी कि वायुवीय श्वसन। यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये मान लो, सपोज इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, बॉक्स के अंदर बंद करने के बाद आपको घुटन होने लगेगी, आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो उस दौरान जो आपकी बॉडी के अंदर जो पाइरूवेट था या ग्लूकोज से जो पाइरूवेट कन्वर्ट हुआ था, वो तुरंत ही लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कुछ कम मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और ये सारी प्रोसेसेस कहाँ हो जाती है, मसल्स के अंदर हो जाती है, मसल सेल्स, या फिर आप कह सकते हो ये साइटोप्लाज्म भी कर देता है। लेकिन जब हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजन होती है तब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आपको। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वो किसके अंदर होगा, ईस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। वो क्या बनाते हैं, वो इथेनॉल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं या एनर्जी, इन सब चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर एक थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ते हैं और एटीपी को डिस्कस करते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, रिविजन कर लेते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जैसे ही आप क्या करते हो, कोई भी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होती है, और कब, जब हम सांस लेते हैं, तो सांस ले रहे हैं यानी कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तुरंत क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सभी सेल्स के पास जा रही है, वहां पे उसको बर्न किया जा रहा है फूड को, और वो कन्वर्ट किसमें की जा रही है, वो आपकी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बच्चे, वो जो एनर्जी है वो आपकी किस फॉर्म में सिंथेसाइज की जाती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी आपने पढ़ा था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल ऑफ अदर, आप दिन भर में जितनी भी एक्टिविटीज करते हो उसके लिए एक ईंधन का काम करता है एटीपी। इन दीज प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप अपनी बॉडी के अंदर एटीपी को स्टोर कर लेते हो, फिर वो धीरे धीरे ब्रोकन डाउन एंड क्या करता है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिलीज करता है, विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये किस में आता है, ये एंडोथर्मिक में आता है, ठीक है, टेकिंग प्लेस इन द सेल। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ाई थी मैंने, उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषी, तो ये किसमें आएगा, ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के अंदर आएगा एटीपी का। अब देखो, ये रहा
हमारा एटीपी के बारे में, डिड यू नो वाला बॉक्स या मोर टू नो, तो इसमें भी पढ़ेंगे हम एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। ये मैंने आपको बताया था एनर्जी करेंसी होती है फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। आप इसे क्या कहेंगे, मुद्रा किसकी, वो भी ये होती है हमारे शरीर में उत्पन्न ऊर्जा की मुद्रा। देखो आगे लिखा हुआ है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक द मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आपकी बॉडी के अंदर ना एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी में कन्वर्ट करता है, किस प्रोसेस के द्वारा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, एडीपी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसमें एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल एड हो जाता है, दैट इज कन्वर्टेड इन टू एटीपी। आगे लिखा हुआ है, एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर। देखो वाटर की हेल्प से, ठीक है, लिखा हुआ द एनर्जी इक्वेलेंट, जो ये एनर्जी फाइनली आपको ये याद रखना है कि ये जो एटीपी मोल ऑफ 180 जो है वो अराउंड 30.5 किलोजूल मोल इज रिलीज करता है एनर्जी को, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ, थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड, ये एक छोटे से आपको अजम्पशन दिया जा रहा है, जैसे बैटरीज होती हैं, बैटरीज क्या करती हैं, बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करती है, लाइट बैटरी में जो होती है, बैटरी में भी एनर्जी होती है स्टोर, उससे आप लाइट फैन ये सब चीजें चला सकते हैं। सिमिलरली आपकी बॉडी भी ऐसे ही फंक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। ओके, तो बस आपको मेन ये याद रखना है, एटीपी जो है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, या फिर करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं इसे, हमारे शरीर में उत्पन्न ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, ठीक है। ये आपको पूरी प्रोसेस दी गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। फिर हम चलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था, डायग्राम पढ़ाया था पूरा। फिर आता है हमारा, देखो क्या कहता है, इन द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 meters square। देखो इसमें लिखा हुआ है बेटा कि अगर आप एल्वियोले की सरफेस को ओपन कर दो ना, तो अराउंड 80 meters square एरिया आपका कवर हो जाता है। इसमें एक बात और लिखी हुई है, हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ आवर बॉडी इज, कितना सरफेस एरिया हुआ है तो पूछा जाता है, कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है, इट वुड टेक 3 years। जब आप इसको रीड करेंगे मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ये कह रहा है अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस से, लिखा है डिफ्यूजन की प्रोसेस से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो अराउंड एक मान लीजिए एल्वियोले मतलब कूपिका की हेल्प से, एल्वियोले से आपके पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन को ट्रांसफर होने में अराउंड 3 years लग जाएंगे। तो शुक्र मनाओ हमारे पास ऑलरेडी एक ऑर्गन, एक टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो इस काम को कुछ ही मिली सेकेंड्स में कर देता है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से एल्वियोले से क्या होती, धीरे 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 ये एक से दूसरे सेल तक ऑक्सीजन ट्रांसफर होती और आपके पैर के अंगूठे तक उसी ऑक्सीजन को पहुंचने में 3 साल लग जाते। ओके, चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtain oxygen for respiration? बेटा ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया था मैंने कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो जमीन पर रहते हैं, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी पर रहते हैं, तो जो पानी पर रहते हैं वो वाटर से अपनी ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और जो लैंड पर रहते हैं वो डायरेक्ट एयर से कॉन्टेक्ट से अपनी ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है और डायरेक्टली एक्सेस करते हैं तो ज्यादा होती है, इसीलिए ये दे आर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ये ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं, क्योंकि इनके पास लंग्स हैं और ये क्या करते हैं, ये गिल्स की हेल्प से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं गिल्स से या फिर स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है व्हाट एडवांटेज, तो ये एडवांटेज है क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम होती है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। फिर लिखा हुआ है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो बेटा इसमें आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन को लिखा हुआ है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है, तो आप कौन से डिफरेंट वेज यूज करते हैं, तो आपने पढ़े हैं 2 different ways, एक पढ़ा है एरोबिक, यानी कि जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है उसमें आप क्या करते हैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, और दूसरा बेटा आपने एनएरोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन पढ़ा है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है लेकिन वो भी ये प्रोसेस करता है, और वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहता है। ठीक है, तो आप इसमें एरोबिक और एनारोबिक को एक्सप्लेन करेंगे। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, तो बेटा इसमें आप पूरी प्रोसेस लिखेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो मैंने आपको पढ़ाई है वो पूरी प्रोसेस लिखेंगे आप हीमोग्लोबिन की हेल्प से, और ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाता है और उधर से वापस लेकर आती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, फिर लिखा हुआ है हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर आर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो बेटा इसमें गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए जो ह्यूमन के लंग्स होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसे करें, आज हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे को कंप्लीट, आगे का जो पोर्शन होगा उसको कंप्लीट करेंगे। अभी कुछ टॉपिक रहते हैं लाइक डायलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कंटेंट समझ में आ रहे तो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक करो। तो बेटा हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।